बिहार और पंजाब रेजिमेंट के जवानों ने चीनी सेना की गलवान में जो हालत की है वह इतिहास बनकर हमेशा याद की जाएगी। जैसे 1967 की चीन से लड़ाई आज भी यादों में बसी हुई है। इस लड़ाई ने यह भी बता दिया है कि सैनिक अपने बटालियन के कर्नल को क्या मानते हैं। उन्हें जवान अपने पिता तुल्य मानते हैं और उन पर किसी तरह का हमला तो दूर की बात है, यदि कोई उनसे बदतमीजी से भी बात कर दे तो उनकी कई पुश्तें उन्हें याद दिला देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था गलवान घाटी में। बलिदानी 20 भारतीय सैनिकों में से एक कर्नल संतोष बाबू बिहार रेजिमेंट के पिता की तरह थे। जब बलिदानी कर्नल संतोष बाबू दोनों सेना के बीच हुई बातचीत के आधार पर चीनी सैनिकों के डिप्लॉयमेंट यानी चीनी सैनिकों के हटने की जानकारी लेने के लिए वहां पहुंचे, उनके साथ उनके सार्जेंट सहित 3 जवान और भी थे। इन पर इसी दौरान चीनी सेना ने हमला कर दिया। हालांकि पीछे बिहार और पंजाब रेजिमेंट के जवान बड़ी संख्या में थे लेकिन कुछ दूरी पर थे। संतोष बाबू सहित 3 घायल अवस्था में थे। इसकी सूचना बिहार रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट के जवानों को मिली। उसके बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था क्योंकि चीनी सैनिकों ने कर्नल संतोष बाबू पर हमला किया था। हमले में लोहे की कीलें लगी राड और अन्य हथियारों से हमला किया गया था। भारतीय जवानों का गुस्सा इस बार चीन देखने वाला था। भयंकर क्रोध से दोनों ही रेजिमेंट के जवानों ने चीन के वहां अवैध रूप से स्थापित किए गए कैंप पर पहुंचे और भरपूर तांडव मचाया। कई चीनी सैनिकों को भारतीय सेना के जवानों ने मारकाट मचाकर मार डाला। मीडिया रिपोर्ट की खबरें बताती हैं कि बिहार रेजिमेंट ने जय बजरंगबली और पंजाब रेजिमेंट के जवानों ने जो बोले सो निहाल के नारे लगाते हुए चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए। भारतीय सैनिकों के भयंकर गुस्से को देख कई चीनी सैनिक वहां से भाग निकले और निचले कैंप में पहुंच गए जहां बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मौजूद थे, लेकिन इनका पीछा करते हुए दोनों ही रेजिमेंट के जवान वहां तक पहुंच गए और जमकर गदर मचाया। इस बीच हमारे जवान बेहद संकरे रास्ते से नीचे गिरे और देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। खबरें आ रही हैं कि कई चीनी सैनिकों की गर्दन की हड्डियाँ और रीढ़ की हड्डियाँ टूटी हुई थीं और गर्दन भी कटे हुए थे। इस लड़ाई की खबर एक ब्रिटिश अखबार ने छापी थी जिसके लिए अखबार ने स्लॉटर शब्द का प्रयोग किया है। यानी आप सोच सकते हैं कि भारतीय सेना के जवानों ने कैसा बदला लिया होगा। यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स और उनके सूत्रों के माध्यम से आ रही है। इस लड़ाई में 40 से 50 चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हालांकि एक सेना से रिटायर्ड और रक्षा विशेषज्ञ के अनुसार यह संख्या 56 के लगभग है। बड़ी संख्या में चीन के सैनिक घायल हुए हैं। एक फोटो और मारे गए चीनी सैनिकों के नाम सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें कितनी सच्चाई है यह कहा नहीं जा सकता। चीनी सैनिकों के शवों और घायलों को ले जाने 47 हेलीकॉप्टरों को वहां लैंड करते देखा गया था। इस दौरान बिहार और पंजाब रेजिमेंट के जवानों ने एक चीनी कर्नल को भी बंधक बना लिया था, लेकिन इस घटना के बाद दोनों देशों के सेना के बीच हुई बातचीत के बाद उसे छोड़ा गया। यह लड़ाई गलवान घाटी के LSC के उस हिस्से में हुआ जो विवादित है और उस पर दोनों ही देशों का दावा है। भारत और चीन के बीच हुए समझौते के मुताबिक इस हिस्से में समस्या के हल होने तक दोनों ही देश किसी तरह का निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन चीन इस हिस्से पर निर्माण कर रहा था जिसकी सूचना के बाद इसे रोकने के लिए दोनों ही देशों के बीच सेना के अधिकारियों के स्तर पर बातचीत हो रही थी। इस घटना के बाद भारत ने उन संधियों को तोड़ दिया जिसके तहत दोनों देशों के बीच गोलियां न चलाने की सहमति बनी थी। अब सरकार ने भारतीय सैनिकों को परिस्थितियों के अनुसार हथियार चलाने की इजाज़त दे दी है। इससे चीन बुरी तरह बौखला गया है और वह अब संधि तोड़ने का आरोप भारत पर लगा रहा है और धमकियां भी दे रहा है। यह चीन भी अच्छे से जानता है कि वह साउथ चाइना सी की तरफ से अमेरिका से घिर रहा है, तो दूसरी तरफ विश्व के ज़्यादातर देश कोरोना को लेकर उसके खिलाफ भी हैं। फिलहाल चीन धमकियों से काम चला रहा है। उसकी धमकियों में 1962 के युद्ध के अलावा कोई और उपलब्धि नहीं है जिसे कई दशक बीत चुके हैं। भारत में विपक्षी राजनीतिक दल खासकर कांग्रेस इस मामले में जिस तरह से राजनीति कर रही है वह विपक्षी दल की जिम्मेदारियों के अनुरूप नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण जिसमें उन्होंने कहा था ना कोई देश में घुसा ना ही हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया को यह कहकर गलत बता रही है। यदि कोई हमारे क्षेत्र में घुसा ही नहीं तो फिर किसे भगाने के लिए सेना वहां गई थी। यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि विवादित क्षेत्र में समझौते के तहत किसी भी तरह के निर्माण कार्य नहीं करने का समझौता दोनों देशों के बीच हुआ था और चीन की सेना इसका उल्लंघन कर विवादित क्षेत्र में निर्माण कार्य कर रही थी,
जिसका भारत ने विरोध किया और उन्हें उस जगह से हटने के लिए कहा। अब कांग्रेस को यहाँ यह समझना चाहिए कि यदि ऐसा हो रहा है तो इस क्षेत्र में भारत का भी दावा है और ऐसे निर्माण कार्य को रोकने के लिए भारत का प्रयास सही है। आखिर समझौते की रक्षा तो दोनों ही देशों की जिम्मेदारी है।